हेलो एवरीवन, वेलकम टू भोजन मेडिटेक। एंड आई एम रविंद्र पाठक। आज के वीडियो में हमारे साथ है सूरज पाल, एंटीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है। विंटर इंटेक में इन्होंने एडमिशन लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करके इंडिया आए हैं। आज ये हमारे भोजन मेडिटेक ऑफिस हमसे मिलने आए थे। सूरज पाल से जानने की कोशिश करेंगे एंटीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में और हमारी सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले सूरज, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट सेमेस्टर कम्प्लीट हुआ है एंटीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में। एंटीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट स्टडी, क्लिनिकल, लाइब्रेरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की जो स्टडी है वो काफ़ी बेहतर है, और जो वहाँ पे क्लिनिकल है वो हमारा सेकेंड सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। और लाइब्रेरी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन ऑथर की सारी बुक्स पड़ी होती हैं, और लाइब्रेरी हमेशा वाईफाई फ्री रहता है, तो कोई भी बच्चा वहाँ पे जाके आसानी से लाइब्रेरी यूज कर सकता है। मंडे टू सैटरडे हमेशा ओपन रहती है लाइब्रेरी। और वहाँ पे जो क्लिनिकल है वो पेशेंट का जो फ्लो है वहाँ पे आना जाना वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पूरे उज्बेकिस्तान की सबसे मतलब ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है ये, तो वहाँ पे वहाँ के लोकल लोगों का भी वहाँ पे बहुत अच्छा उनका विश्वास है उस हॉस्पिटल को लेकर, इसलिए वहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लो रहता है पेशेंट का आना जाना, और हमें भी फायदा होता है। वहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होता है कि एक एक बैच बनता है जो 15-15 बच्चों का होता है, तो जो टीचर होते हैं सिर्फ 15 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा को नहीं पढ़ाते हैं। तो हमें ओपन डाउट मतलब जो भी होता है वो क्लियर करने का अच्छा मौका मिलता है सारे बच्चों को, ताकि हम अपना डाउट आसानी से क्लियर कर सकें, और टीचर का भी बच्चों के साथ अच्छा पोलाइट है। मतलब उनका बिहेवियर आप लोगों को लेके कैसा है? उनका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा पोलाइट है, और अगर हमसे कुछ भी जानने की कोशिश करें तो वो हमें पूरा 100% देते हैं, पूरा हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को जानने में। क्लिनिकल वहाँ पे पेशेंट का फ्लो बहुत अच्छा है, और वहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर से ही क्लिनिकल होता है, और जो भी हमारा प्रैक्टिकल होता है जैसे इंडियन कॉलेज में होता है, तो हमें अलग सा नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि हम इंडियन कॉलेज में ही हैं, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्लिनिकल, और उनके हॉस्पिटल भी पास नहीं है, कुछ ज़्यादा दूरी पे नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और वैसे मेस का भी हमारा ऐसा ही है, मेस हमारा हॉस्टल से 100 मीटर की दूरी पे, उसको हम कैंपस के अंदर ही होता है। तो और जो हमारा हॉस्टल बना हुआ है नया हॉस्टल, वो हमारा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हर फ्लोर पर हमारा अलग से कंपार्टमेंट बना हुआ है किचन के लिए, तो जो बच्चे सेल्फ कुकिंग करना चाहते हैं वो अलग से सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर फ्लोर पे ही हमारा किचन बना हुआ है, साफ सफाई काफ़ी अच्छा है, रूम की जो हमारी लेंथ ब्रीथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, ताकि बच्चे आसानी से उसमें रह सके, कोई इशू नहीं है हॉस्टल को लेकर। हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी है? हाँ, हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी है। और ओवरऑल सिटी की बात करें अगर हमें, ओवरऑल सिटी जो है वो भी अच्छी है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, और वहाँ पे बाहर जाओगे तो आपको मतलब मॉल वगैरह मिल जाते हैं, और सब्जी मार्केट भी है जो कि मतलब 500-600 मीटर की दूरी पे वही सब्जी मार्केट होती है, और मॉल वगैरह हैं, स्विमिंग पूल है, जिम वगैरह भी सब अवेलेबल है वहाँ पे। ग्रोसरी वगैरह बाई करना है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है? वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मान सकते हैं मैक्सिमम 1 किलोमीटर सब कुछ है। अच्छा, चलिए ये तो होगी एंटीजन की बात। आप भोजन मेडिटेक के थ्रू जो हमारी सर्विसेज रही हैं उसके बारे में क्या बोलना है? भोजन मेडिटेक के थ्रू मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सर ने हमें जो भी कुछ कहा था हमें वैसा ही मिलना है। हम वो सर जैसे ताजकरण ले जाना, फिर वहाँ से एडमिशन ले जाना, हमारा वीजा से लेके एडमिशन से लेके वीजा एक्सटेंशन से लेके जो कुछ भी सर ने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, कोई इसमें फॉल्स प्रॉमिस नहीं सर ने किया था। और मैं सर को लगभग 3 साल से जान रहा हूँ, क्योंकि मैं सर के थ्रू यूक्रेन भी गया था, लेकिन वार के विषय से मैं दोबारा नया एडमिशन लिया एंटीजन में, तो मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने 3 साल पहले सर के थ्रू मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन उस टाइम बहुत लोगों ने मैनिपुलेट किया कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ये मेरा ट्रस्ट है कि मैं तब से और आज भी सर ने जो कुछ भी बताया कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं रही है, और अभी भी बेहतर है भोजन मेडिटेक के थ्रू हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। गाइस, काफी लोग होंगे जो आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक ना हो पूरी कोशिश करते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो, और अगर आप लोग हैसल फ्री डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में तो आप हमें भोजन मेडिटेक को चूज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, एडमिशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।